भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन कुमार चितलांगिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी मूर्जन लुणिया को ज्ञापन सौंपकर भाजपा नेताओं ने पट्टा अभियान में धांधली के आरोप लगाते हुए मामले की जांच करवाए जाने की मांग की है। भाजपा नेता जय श्री दादीश ने उपखंड अधिकारी को बताया कि जो पट्टे वितरित कर दिए गए हैं और मंत्री के साथ फोटो पट्टा प्रदान करते हुए खींच ली गई थी, उन पट्टों को भी वापस ले लिया गया और तो और पट्टों के बारे में जानकारी करने कोई पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद नगर परिषद जाता है तो उनको राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी जाती है। प्रजातंत्र में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंडल बीजेपी अध्यक्ष पवन कुमार चितलांगिया ने एसडीएम को बताया कि जो आपत्तियां प्रकाशित हुए, 7 दिन का समय बीत गया, उसके 2-2 माह बीत जाने के बाद भी मौका मुआयना नहीं किया जा रहा, आखिरकार इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। पवन चितलांगिया ने कहा कि कई साल से रसीदें कटाई हुए लोग भटक रहे हैं लेकिन नगर परिषद में केवल प्रभावशाली लोगों के काम हो रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं की पूरी बात सुनने के बाद उपखंड अधिकारी ने सभी पॉइंट्स पर नगर परिषद से रिपोर्ट मंगवाने की बात कही। इस दौरान पार्षद हरिओम कोड, प्रकाश सोनी, अंजनी कुमार रंकावत, नूरतन पुरोहित, दिलीप धवल, कमल दादीश, उदी प्रकाश सोनी, एडवोकेट मनीष दादीश, पार्षद दीनदयाल पारी, बीजेपी नेता गणेश मंडावरिया, गंगाधर लाखन, प्रेम स्वामी, विद्यासर प्रधान, संतोष मेघवाल, शाकिर खान बेसवा, मदन लाल गुलेरिया, रेवंत राम, वैद्य भवनलाल शर्मा, पार्षद गोविंद दोरिया सहित अनेक भाजपा नेता व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। शहरों के संग जो अभियान चला उसमें जो लाइट और बिजली पानी की जो समस्याएं लोगों के वार्डों में ली वो कंप्लेन आज तक दूर नहीं हुई। दूसरा, जो नगर परिषद ने पट्टे की फाइल वो जमा करने के लिए आनाकानी करते हैं, लोगों की रसीद काटने के लिए भी 3-4 घंटे लगते हैं और जिनकी रसीद कट गई उनकी आपत्ति विज्ञप्ति नहीं निकल रही है, उसका भी आगे पीछे कर रहे हैं। 15 दिन वाली जो पहले फाइल कटी है उस रसीद की तो आपत्ति विज्ञप्ति नहीं निकली है और आज जो लगाई है उसकी निकल गई। इसी तरह लोगों को पट्टे दे दिए और मंत्री जी, प्रभारी जी मंत्री जी हैं उनके साथ उनकी फ़ोटो हो गई और उनको वो पट्टे नहीं मिल रहे हैं। इस बात को लेकर के हमने ये ज्ञापन दिया है तथा रेलवे पार 56, 57, 58 नंबर वार्ड है, उस वार्डों के अंदर में पानी निकासी की भयंकर समस्या है, उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था सुजानगढ़ की जो मेन सब्जी मंडी है, स्टेशन रोड है, घंटाघर है, वहाँ बहुत दयनीय स्थिति है और खुद अधिकारी ये जाते हैं तो इनको 15-15 मिनट लगते हैं गाड़ी निकालने में, तो आम जनता को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, इसको लेकर के हमने ये ज्ञापन दिया। आप में जो जाते हैं उनको राजकार्य बाधा का मुकदमा पहुँचा करने की धमकी देते हैं, इसको लेकर के हमने ये ज्ञापन दिया है कि इस तरह ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा, लोकतंत्र में काम करना होगा और हम वरना अन्यथा हमें दूसरे राह आंदोलन की राह लेनी पड़ेगी। आज हम एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि जब हमारे जनप्रतिनिधि मेरे पास ही खड़े हैं, पन्ना लाल जी जो जन पार्षद प्रतिनिधि हैं, जब कोई समस्या लेकर जनप्रतिनिधि जाता है तो उसे राजकार्य में बाधा का मुकदमा का धमकी दी जाती है तो ये सरासर गलत है और इसके लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ पट्टों के मामले में जो बहुत सारी धांधली हो रही है, मेरे ही वार्ड की बात बता दूं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दिन कार्यालय से सूचना मिली थी कि आयुक्त महोदय 60 पट्टे लेकर पहुँच रहे हैं पर अभी तक शायद उन्हें मेरा वार्ड ही नहीं मिला है, वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो, तो बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। इवन यहाँ तक कि लोगों के पट्टे की जो फाइल है वो खो भी गई है, तो गरीब से गरीब आदमी, वृद्ध आदमी जो 4,500 रुपये कम से कम आवेदन के लगाता है तो क्या वो वापस उस तरह से आवेदन करेगा? तो इस तरह की बहुत सारी धांधलियाँ हो रही है, ना किसी को पट्टे मिल रहे हैं। एलए की फीस पहले चालू थी फिर बंद की, अब वापस चालू की गई, तो इनकी क्रियाविधि भी में एक रूपता नहीं है। इन सभी समस्याओं के साथ और शहर की अन्य समस्याओं के साथ हम आज एसडीएम साहब के पास यहाँ ज्ञापन लेकर आए। देश भर में शुरू हुए 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण अभियान सुजानगढ़ शहर में भी शुरू हो चुका है। पहले दिन 4 विद्यालय में किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। सुपरवाइजर नाराम गोदारा ने बताया कि पहले दिन 1,000 कोवैक्सीन की डोज में मिली है। झंवर स्कूल में विद्यार्थियों को लाइन में लगाकर आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन उपरांत टीकाकरण किया गया। पार्षद प्रतिनिधि सौरभ पिपलवा ने भी युवाओं को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। यहाँ अनिता कुमारी, विनोद सोलेरा, ओम प्रकाश देवड़ा, खुशीराम मीना, मनीष प्रजापत, राजेश मीणा, सुपरवाइजर नाराम गोदारा आदि लोगों ने वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण किया। इसी प्रकार राज्य के पीसी भी स्कूल, राज्य के कनोई बालिका स्कूल, राज्य के भीमसरिया स्कूलों में भी किशोर वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। आज 3 तारीख से 15 से लेके 18 साल के सभी बच्चों का टीकाकरण यहाँ पे हमारे वार्ड झंवर स्कूल में लग रहा है और सुबह से काफ़ी बच्चे आए हैं, सभी उत्साहित है टीका लगाने के लिए। और अभी आपको पता है कि नया वेरिएंट जो कोरोना का आया है ओमिक्रॉन, उसके भी पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह ये जो टीकाकरण हो जाएगा इससे काफ़ी राहत मिलेगी। सुजानगढ़ के वृंदावन धाम में पिछले कई सालों से लगातार श्री राम गोपाल गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविरों का
आयोजन किया जा रहा है। गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने बताया कि शिविरों को सफल बनाने में सहयोग करने वाले लोगों शंकरलाल गोयनका, गोपाल प्रजापत, प्रेम जोशी, कैलाश टेलर, नेमीचंद शर्मा सहित अन्य नर्सिंग कर्मियों का भी स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर सुभाष बेदी ने स्वर्गीय राम गोपाल गाड़ोदिया द्वारा करवाए गए सेवा कार्यों को याद करते हुए उनके द्वारा शहर को दी गई सौगातों के बारे में जानकारी दी कि इस दौरान श्रवण सरोलिया, रामकृष्ण प्रजापत, जीवन राम, ओम प्रकाश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उपखंड कार्यालय के सामने आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान के स्थानीय अध्यक्ष तेजपाल गोदरा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, महबूब बड़गुजर, जितेंद्र भार्गव, कमल बिजानिया, भागीरथ बोरा, प्रदीप पारिक, भगवान राम, सोहिल गोपालपुरिया, अशोक सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र को रेखांकित करते हुए मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग की है।